सो हे गाइस, आज की न्यू वीडियो पर स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास साहू और आपको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको साइंस कॉलेज घुमाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखो। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर गेट से आप जैसे अंदर जाओगे तो सामने में आपको यहां पर पार्किंग दिखेगा। जस्ट पार्किंग के बगल में यहां पर कैंटीन है, लेकिन दो गेट है, तो एक अभी यहां दिखा दिया और आपको दूसरा भी गेट दिखाऊंगा। तो जैसे आप पार्किंग कर लिया, अब आगे जाओगे तो यहां पर आपको बॉटनी गार्डन दिखेगा, मतलब बॉटनी डिपार्टमेंट दिखेगा। उसके सामने भी एक गार्डन है जो आप छोटा सा है, और उसके बाद इधर से हम अपने कॉलेज के अंदर चलते हैं। तो कॉलेज के अंदर जाने से पहले यहाँ पर सामने में गार्डन है, तो उसको अभी मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो पर। जैसे मैं कॉलेज के अंदर प्रवेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में हेल्प डेस्क, यहाँ आप कुछ भी बुक वगैरह इशू करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहता है यहाँ। यहाँ मतलब लाइब्रेरी की सुविधा है आपको, लाइब्रेरी जस्ट सामने। आप इधर आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको दोस्तों प्रिंसिपल रूम मिलेगा, तो जैसे आप प्रिंसिपल रूम जैसे जाना था मिल सकते हैं। और प्रिंसिपल रूम के जस्ट आगे आपको ऑडिटोरियम दिखेगा, ऑडिटोरियम का भी एक क्लिप देख सकते हो, प्रोग्राम ऑडिटोरियम दिखेगा। तो आप ऑडिटोरियम का कुछ क्लिप देख सकते हो जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ। आप दोस्तों इसका सेकंड जो मैं गेट की बात कर रहा था, तो उसका सेकंड गेट है यहाँ से है, तो इसका सेकंड गेट है और एक इसका पहला गेट आगे है। तो सेकंड गेट से जैसे आप अंदर जाओगे तो आप जैसे बताया कॉलेज के बाहर का एक गार्डन है और ये ऑडिटोरियम है, और जस्ट ऑडिटोरियम के बगल में प्रिंसिपल ऑफिस है। तो ये यहाँ का दिखता है दोस्तों। अभी मैं आपको गार्डन भी जाऊँगा, अंदर का सीन भी दिखाऊँगा। अब हम लोग जहाँ थे तो हम लोग ये लाइब्रेरी पास थे। अब लाइब्रेरी जैसे आप अंदर जाओगे तो यहाँ पास आपको भौतिक शास्त्र डिपार्टमेंट दिखेगा, और यहाँ पास अभी दोस्तों कॉलेज में जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, वो सभी का यहाँ आंसर शीट जमा होने आया है, तो सभी यहाँ पास आंसर शीट जमा करना है। यहाँ आप देख रहे हो सामने में कार्यालय है, फिलहाल अभी कार्यालय बंद है। यहाँ पर जितना भी हम लोग का फॉर्म जमा होता है तो सब वही कार्यालय में होता है। यहाँ पर देख सकते हो अभी भीड़ का है, सब अपना आंसर शीट जमा कर रहे हैं, तो अभी बहुत भीड़ लगा है। सब अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार सभी को लोकेशन दिया है। अब यहाँ से जैसे आप चाहोगे दोस्तों, तो ये सामने में एक गार्डन पड़ता है कॉलेज का अंदर का, तो ये कॉलेज का गार्डन है। इधर भी सभी अपना अपना रूम है, और सामने हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट। तो चलो आईटी डिपार्टमेंट जरूर आपको लेके चलते हैं, और इधर भी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से नज़ारा है अंदर का। दोस्तों एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो आपको बता दूँ इस वीडियो में ही यही बस कि जैसे आप एप्लीकेशन से आवेदन करोगे अटल बिहारी वाजपेयी पर, यहाँ पास आपको लिस्ट में नाम आएगा। यहाँ दोस्तों बता दूँ ये आपको मेरिट बेस पर होता है, यहाँ कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। वहाँ पास का नाम आएगा, और वो उसमें नहीं आया तो आप दिन यहाँ पास एक काउंसलिंग होता है कॉलेज में, तो आप काउंसलिंग से आ सकते हो, वहाँ आपका ना यहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ एडमिशन प्रोसेस है जो आप लोग को पता रहना चाहिए। यहाँ पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी पढ़ते हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले लोग भी पढ़ते हैं, मतलब तीन यहाँ पास यहाँ पूरा होता है स्टडी यहाँ। और ये देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग का सवाल रहता है कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ, तो ये हमारा डिपार्टमेंट है दोस्तों डिपार्टमेंट। यहाँ जैसे दोस्तों आप लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है दोस्तों। आप लोग जैसे सीएस करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में, तो उसका डिपार्टमेंट है। जस्ट उसके सामने में आईटी डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब जैसे आप सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पास दोस्तों आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट जो हम लोग का डिपार्टमेंट है बीसीए का, तो है। और इसके जस्ट सामने में दोस्तों ऑटोनोमस है, मतलब यहाँ दोस्तों ऑटोनोमस की सुविधा है। जैसे यहाँ आप परीक्षा स्वयं यहीं से होता है, बाकी कॉलेज में अटल बिहारी से आते हैं यहाँ, लेकिन पेपर यहीं से छटता है। तो यहाँ बहुत अच्छा हम यहाँ का सुविधा है दोस्तों ऑटोनोमस डिपार्टमेंट और एप्लीकेशन जो हम लोग का कर रहे हैं, और इधर ऑटोनोमस से जहाँ पर परीक्षा केंद्र होता है। तो चलो अभी से जहाँ क्लासे लगता है लेक्चरल 9, 10, नीचे है 11, 8, 7 और 1 पूरा। अब मैं दिखा दूँ तो ये देख सकते हो हम लोग यहाँ से आए थे, यहाँ से आए हम लोग, ये सामने गार्डन है। इधर भी दोस्तों बहुत सारे क्लास लगते हैं भौतिक रसायन शास्त्र, उधर देख सकते हो गार्डन में आप टहलने भी आ सकते हो। फिलहाल ये था यहाँ का नज़ारा, देखने में बहुत अच्छा लगता है ऊपर से, और हम लोग किधर से आए हैं। तो अभी चलो मैं आपको एक क्लासरूम को दिखाता हूँ यहाँ कैसा है क्लासरूम, पूरा वन से लेकर पूरा चालू है क्लास, अभी आप ऊपर से आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, यहाँ ऊपर नीचे से आए थे हम लोग, तो अभी चल रहे हैं अपना डिपार्टमेंट घूम लिए पूरा। यहाँ सीढ़ी से आपको नीचे जाना है। अब
एक आप बोलते हो कि यहाँ क्या क्या डिपार्टमेंट है, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर सारा डिपार्टमेंट है जो यहाँ पर अवेलेबल है इस कॉलेज में, तो आप यहाँ से देख सकते हो और स्क्रीन शॉट चाहोगे तो आप ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये है रसायन शास्त्र का इधर का डिपार्टमेंट है। जैसे बताया कार्यालय पास का, तो एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है इधर, और ये देख सकते हो यहाँ पर आप था कॉलेज का अंदर का नज़ारा दोस्तों। अब चलो हम लोग बाहर चलते हैं, अब गार्डन को आपको दिखाता हूँ कॉलेज का बाहर का गार्डन। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ बाहर चलेगा ये गेट है कॉलेज का, जो देख सकते हो जस्ट सामने में ही है गार्डन इसके कॉलेज को, देख सकते हो गार्डन। यहाँ पर दोस्तों आप लोग फ्री टाइम में आ सकते हो गार्डन में, या आप यहाँ पर बैठ सकते हो। तो चलो गार्डन का नज़ारा देखते हैं। आपको इस कॉलेज रिलेटेड कुछ कमेंट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो देख रहे हो तो हम बता दूँ यहाँ एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग आवेदन कर लेना और काउंसलिंग दिन आ ही जाना अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो। रिकॉर्डिंग और अगर आपको कुछ भी सवाल रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये था कॉलेज का पूरा आपको टूर जितना दिखा दिया, और अभी थोड़ा आप लोगों को क्वेरी रहता है कब से एडमिशन है यहाँ विजिट करना। एक बात और, अगर आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो जिस आप सब्जेक्ट में आपके जाना, आप बाहरी पूछोगे तो आपको आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और आज के ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब मैं आप लोग अपने फ्रेंड लोग से मिलाता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।